सो फाइनली क्या था सब आ जाइए अपना ही खेती बा बच्चा सके तरह हमको पढ़वा रहे हैं हमने हेलो गाइज आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद हमने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की है बिकॉज कल रमजान है और आज है पहली मतलब फर्स्ट तरावी आज तो आज मैं जाऊंगा अपने दोस्त लोग के साथ में थोड़ा उससे पहले बाल मैं थोड़ा वो सेट करवाऊंगा दाढ़ी वाड़ी वो बनाऊंगा और अभी दुकान पे थे अभी हम तो अभी घर से कॉल किया गया मे को और मतलब हंसी इस बात की आ रही है हमें कि एक नमक भी जब घर का ख़त्म होता है ना तो हमें काम छोड़ के दुकान पे से घर जाना पड़ता है हमें अभी तो इतने में तो ये खूबसूरत मेरे को देख रही है ये बाकी सबका हुलिया जो है ख़राब है सो घर पे 1210 रुपये दे के ब्लैक पैंथर पे बांध लिया है सो अब यहाँ से निकलते हैं घर सो फाइनली क्या था हम गैस लेके आ चुके हैं और गैस लेके आने के बाद ये उसी गैस का जो है अभी सेट करके अभी चाय हुआ है हमारी जो बेगम है वो चाय बना चुकी है नहीं मत दिखाई एकदम लग रहा है कि गुलशन आरा लग रहा है गुलशन आरा कौन है अपनी मम्मी जैसे कैसे हो गए अब हो नहीं की बेटी तो फिर उनका सब आएगा हो गए देखिए ना अब ये हो गए लोकेश और सोवेल अब ये चाय खत्म करके अभी जाऊंगा दुकान पे जो सारा काम हुआ मैं उसको खत्म करके जल्दी से जो है फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे ईसा में नमाज जो है स्टार्ट करेंगे और अल्लाह माफ करे कल से मतलब बहुत दिन का गैपिंग था ना पहले गया था अभी हम आ चुके हैं बाल दाढ़ी सेट करवाने लेट हो जाएगा और नमाज स्टार्ट होने में अभी एक घंटा बाकी है एक घंटा बाकी तो हमारे ये संजय भैया जो हाँ तो अभी बाल दाढ़ी ये बना के फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे गुसूल के लिए फिर गुसूल करने के बाद जो है कुर्ता पैजामा पहन के फिर उसके बाद कुर्ता पैजामा पहन के फिर उसके बाद जाएंगे तरावी भरने सोवेल यूँ ही हमारे साथ सैलून से आके घर आके नहा धोवा के बिल्कुल हो चुके हैं यार अब यहाँ से जाएंगे मस्जिद तरावी स्टार्ट होने में मात्र 10 मिनट बाकी है सोवेल कुछ लेके आती है हमारी रानी तो कही कुछ लाने के लिए जो कि अभी हम खाएंगे और खा के फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे तरावी पढ़ने के लिए सुबह लेके चिकन और हलवा सुबह अब इसको खाएंगे और खा के जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए वो जल गया इसलिए जलवा आप कुछ बोलना चाहेंगे आज कल से हम लोगों का पहला फास्टिंग है सो क्या कहना चाहोगे कुछ नहीं बोलेंगे देहात नहीं सब मिल गई देहात की है ये देहात की नहीं है हम ऐसे माहौल में नहीं रहे हैं जो कैमरा के पास बोलते हैं सो वेल गाइस ये खा के जाते नमाज पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की नमाज हो चुकी है और पहली पारा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है सो अब यहाँ से चलेंगे घर ये खाना आ चुका है ये पुलाव है और ये चिकन है ना ये चिकन और ये नींबू ये प्याज और ये हमारी रानी मेकअप करके आई क्या आए नहीं है दिन में ही गए थे क्यों कल से रोजा मेकअप नहीं करेंगे तो आज कर लिए बकलोल दुआ करते हैं अल्लाह ताला से अगले साल से आप जो है मतलब इस महीने के बाद से आप खाना बनाना सीख लो ओके हमको आता है लेकिन हैवी खाना मम्मी को देते हैं सवाल गए जब खाना अब स्टार्ट करते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाने की दुआ क्या बिस्मिल्लाहि वाल बरकतिल्ला बच्चा सके तरह हमको पढ़वा रहे हैं हम नहीं पढ़ते हैं 3:30 बज चुका है गाइस जो कि मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ और अभी मेरा घर मतलब मैं लेट से जगा हूँ
और मेरे घर में भी सब कुछ जग, मतलब 2 बजे से ही सब कुछ जगे हुए, तो अभी देखते हैं घर में क्या चल रहा है। अभी आपको भी करना है, हैं? शहरी हमको भी तो करना है ना, और आपको भी करना है, है? कल एग्जाम है, इधर 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 कल इसका एग्जाम है, और देखो इसको देखो है? आप भी रहोगे कल रोजा? हाँ तो तो अभी हम जाते हैं, जाके और रस वस करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग सहरी करेंगे साथ में। ओके कौन वाला? अभी करेंगे बरस। हम उर्दू वाला नहीं करते हैं क्या? उर्दू वाला नहीं करते हैं। उर्दू वाला का मतलब ये हुआ कि नीम के पेड़ के टहनी से, मतलब डंडा से वो करेंगे, मिसवाक करेंगे, मिसवाक नीम के पेड़ के डंडा से दिन में। ओके अभी क्या होली खेलने वाला पिचकारी खरीदे थे? अरे बाबा आया क्या था? उसका क्या काम है? आपके दुकान के पास नहीं आता है वो? कभी कभी आएगा आपके दुकान के पास, फिर चला जाएगा। अच्छा ओह, तो यहाँ देख सकते हैं ये बन चुका है सेवई और दूध। अभी यही खा के जो हम लोग सारा दिन अब रहेंगे, अब सारा रात खाते हैं, सारा दिन सोते हैं। 25 मिनट बाद जो है अजान होगी, और अजान के 15 मिनट बाद जमात खड़ी होती है, तो 25 मिनट बाद अभी हम जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए जमा मस्जिद। तो है गाइस, अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 9:30, और अभी हम आए हैं चिकू के उसको स्कूल छोड़ के, और क्या कहते हैं रात में, क्या कहते हैं फजर के नमाज पढ़ने के बाद नींद बहुत आ रही थी, तो इसी के कारण से जो है हम वहाँ से आके जो है सो गए, और अब जुमा भी आज, तो आपको हमारी ओर से हैप्पी फ्राइडे। और अभी जो है नहा धो के जो है फिर उसके बाद जो है अभी हम निकलेंगे दुकान, और काम है दुकान का वो अभी देखेंगे। आज ड्राइंग था, आज ड्राइंग था, आज तो गाइस देख सकते हैं दिन के बज चुके हैं 12, और अभी हम जा रहे हैं घर, बिकॉज आज जुमा भी है, तो यहाँ से घर जाके जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। सोवेल गाइस 5:30 बज चुका है, देख सकते हैं आप, और ये जा रहे हैं मस्जिद के लिए, और ये मैं ही लेके जाऊँगा अभी। जो नमाज जो पढ़ाते हैं ये इमाम साहब और मुअज्जिन साहब और जो भी मेम्बर सब जो होते हैं, तो ये केवल मैं ही नहीं, जो कि जो मतलब जो आसपास के लोग भी है वो सारे लोग लेके जाया करते हैं वहाँ पे। और मस्जिद से आने के बाद यहाँ का जो टिफ़िन बॉक्स है, फिर उसके बाद जो है हम वो लेकर के जाएंगे दुकान पे, और दुकान पर ही जो है सारे लोग जो है हम अब्बू और जो भी है सब लोग वहीं पे इफ्तार करेंगे। सो वेल इफ्तारी लेकर के दुकान पे आ चुके हैं, और टाइम बिल्कुल 5 मिनट ही बचा हुआ है, तो अब मैं आपको बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ कि क्या सब लेके आए इफ्तारी और कैसे खाते हैं हम लोग। दे दिए जहांगीर के अम्मी के, ठीक, एक का ढक्कन यहाँ पर लगा दो। हाँ अच्छा ठीक, तू जो 5-5 ये में तो और क्यों अभी हाँ
आफ्टर इफ्तार के बाद हम आ चुके हैं अपने घर, क्योंकि अब यहाँ से जाएंगे क्या कहते हैं तरावी पढ़ने के लिए, और सर थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है बिकॉज ये फर्स्ट डे था फास्टिंग का। सो अब यहाँ से जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, 2 घंटे का नमाज होती है, 8, 9, 10 बजे फिर वहाँ से आएंगे घर। तो अगर आपको हमारी ये ब्लॉग अगर अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों ने अगर इस ब्लॉग के माध्यम से आप अपने होम टाउन को अगर आप मिस कर रहे हैं, अगर बाहर में अगर ये ब्लॉग देख रहे, तो प्लीज़ भाई इसके नाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और अपने दोस्तों में बांटे। सो वेल, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सबा खैर, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद, जय भारत, और बाय, टेक केयर।